राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणामों ने बीजेपी को मजबूती से स्थापित किया है। बीजेपी ने रामगढ़, झुंझुनू, सलूम्बर, देवली उनियारा और खिवसर सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने दौसा पर जीत दर्ज की है और बाप पार्टी ने 84 सीट पर कब्जा जमाया है। इस जीत की गूंज के बीच एक नाम जो सभी की जुबान पर है, भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल का। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। से 5 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई। इस ऐतिहासिक जीत के पीछे बीजेपी के तमाम नेताओं, सरकार के मंत्रियों, प्रदेश के मुखिया का अहम योगदान रहा। लेकिन उपचुनाव की इस कड़ी परीक्षा में नए प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल का खासा रोल रहा। 5 सीटों पर हुई जीत में प्रदेश प्रभारी राधा मोहन की क्षमता और कुशल नेतृत्व ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। इस पूरे चुनाव अभियान में अग्रवाल ने अनुशासन और संगठनात्मक क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसके परिणाम स्वरूप पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। कार्यकर्ताओं के बीच में से कोई नेता बनके संगठन खड़ा लेकर किसी को मुख्यमंत्री बनाता है, जो सहज और सरल स्वभाव से काम करता है, सबके साथ मिलजुल करके रहता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके नेतृत्व में हम लोग ये चुनाव हार जाएं। और पार्टी है जो नए नए लोगों को अवसर देती है, पार्टी की इस मानसिकता पर ब्रेक लग जाए। और मुझे आज ये कहते हुए बहुत खुशी है, आज आपने सचमुच अपने नए मुख्यमंत्री का और अपने बिल्कुल नए प्रदेश अध्यक्ष का, इन दोनों का सम्मान की रक्षा करने का काम किया। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटों का नुकसान हुआ था। फीडबैक में इसका मुख्य कारण कार्यकर्ताओं की नाराजगी से भी जोड़ा जा रहा था। ऐसे वक्त में भाजपा ने प्रदेश प्रभारी के तौर पर राधा मोहन दास अग्रवाल को जिम्मेदारी दी। दूसरी तरफ राधा मोहन दास अग्रवाल ने जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए संगठन और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का भार अपने कंधों पर लेकर राजस्थान पहुंचे। उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति बारीकी से समझने वाले राधा मोहन दास अग्रवाल के सामने राजस्थान जिम्मेदारी एक चुनौती थी। लेकिन प्रदेश में आते ही कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और प्रभारी मंत्रियों की मैराथन बैठक लेकर पार्टी का जमीनी फीडबैक लिया। इसके बाद लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर जहां भी नेगेटिव रिपोर्ट आई वहां साइलेंटली डैमेज कंट्रोल करने में जुटे और उसके बाद मिशन उपचुनाव की तैयारी शुरू की। उपचुनाव में प्रत्याशियों का पैनल बनाने से लेकर उम्मीदवार चयन तक अपनी कुशल रणनीति का प्रयोग किया। इसका नतीजा रहा कि टिकट वितरण में किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं देखा गया, बल्कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को भी चुप करवाने में कामयाब रहे। ऐसे में कहा जा सकता है कि राधा मोहन अग्रवाल ने सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया, बल्कि पूरे प्रदेश में बीजेपी की ताकत को मजबूती से पेश भी किया और प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व में बीजेपी ने एक अनुशासित चुनाव ही नहीं लड़ा, बल्कि उस चुनाव को जीत कर भी दिखाया, जिसमें कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत, पार्टी के संगठनात्मक ढांचे ने अहम भूमिका निभाई। इस परिणाम ने यह साबित कर दिया कि बीजेपी अपने नए प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व में मजबूत स्थिति में है। हालांकि जब जीत का क्रेडिट देने की बारी आई तो राधा मोहन दास अग्रवाल ने कार्यकर्ता सर्वोपरि छवि दिखाते हुए क्रेडिट लेने से साफ इनकार कर दिया और इस जीत का क्रेडिट कार्यकर्ताओं को दिया। नहीं, न तो मैंने कुछ किया है, न मैं इसे अपने लिए परीक्षा मानता हूँ और न मैं इसे मूल्यांकन मारता हूँ। हम लोग सिर्फ एक निमित्त होते हैं। अभी ऑब्जर्वर शब्द का प्रयोग मेरे लिए किया है, मैं पहले से ही अपने आप को ऑब्जर्वर मानता रहा हूँ।
तो मेरे लिए हार और जीत ये सब विषय नहीं होता। मेरे लिए इसका ये मतलब होता है कि हमारे संगठन की ताकत, हमारे मंत्रिमंडल के लोग, हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह और व्यापक रूप से जनता का हित, इस दृष्टि से हमारा संगठन काम करे। चुनाव की हार जीत का, हार का जिम्मा मैं ले सकता हूँ, जीत का जिम्मा तो मेरे उन प्रिय 51,000 बूथ के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं हमारे पास, हमने अभी तकरीबन 70 लाख प्राथमिक सदस्य बनाए हैं। 2 दिन पहले का आंकड़ा था, तकरीबन 38,000 हमारे सक्रिय सदस्य हैं, तो मैं उन कार्यकर्ता को ही दूंगा। उपचुनाव में एक सीट से 5 पर पहुंची बीजेपी की शानदार जीत ने प्रदेश के नेताओं की सफल नेतृत्व क्षमता को सामने लाया। बड़ी बात यह भी है कि भाजपा इस बार अपनी जीती हुई सीट उपचुनाव में भी बरकरार रखी। ऐसे में इस जीत के अहम किरदार राधा मोहनदास अग्रवाल ने साबित कर दिया कि उनका नेतृत्व पार्टी को आगे ले जाने में सक्षम है। बहरहाल सरकार के 11 महीनों के कामकाज के अलावा बीजेपी की शानदार जीत में राधा मोहन अग्रवाल के कुशल नेतृत्व की चर्चा भी सियासी गलियारों में खूब हो रही है।